हेलो फ्रेंड, लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर मसाला। आज मैं ये पनीर मसाला की रेसिपी को एक अलग ही स्टाइल में बना के दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं ये रेसिपी को कैसे बनाऊंगा ये जानने के लिए आप वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो फिर चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइन का तेल। अब तेल को डालने के बाद हम फ्राई करेंगे प्याज। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 प्याज को एकदम लंबा लंबा करके काट लिया है। चलिए अब तेल को चेक करते हैं। ये देखिए, अब ये गर्म हो गया है। अभी हम सारे प्याज को इसमें डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज अब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप जब भी प्याज को फ्राई करें बिल्कुल इसी तरह फ्राई करें, इससे ज़्यादा ना करें। ये देखिए, सारे प्याज को निकालने के बाद अभी हम तेल में डालेंगे थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इसको भी हमने छोटा छोटा करके काट लिया था। अभी हम इसको भी हल्का सा फ्राई करके इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम प्याज को और अदरक लहसुन को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, ये है पनीर। इसको हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। अभी हम सारे पनीर को भी तेल में फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको एकदम हल्का फ्राई करना है। और ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा पनीर को फ्राई कर लिया है। अभी हम लेंगे मिक्सी और मिक्सी में डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ प्याज और अदरक और लहसुन को, और इसको पीस लेंगे। अभी हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए, हमने इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है, एकदम रेडी है। अब पनीर में डालने के लिए हमने लिया है 3 टमाटर। इसको भी छोटा छोटा करके काट लिया है। अब हम इसको भी मिक्सी में डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने इसका भी एक बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। अभी हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 2 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग और गोलकी, और 2 तेज़पत्ता, और लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा। चलिए अब हम इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। चलिए अब हम सबसे पहले टमाटर को फ्राई कर लेते हैं। और ये हमने डाल दिया टमाटर का पेस्ट, जिसको हमने पीस के रखा था। अभी हम इसको इसमें थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आज मैं पनीर मसाला की रेसिपी को एक अलग ही स्टाइल में बना रहा हूँ, इसीलिए मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अभी फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। चलिए अब हम इसको भी इसमें मिला के अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप जब भी मसालों को फ्राई करें, गैस को मीडियम फ्लो पे रख के ही फ्राई करें। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको हमने बना के रखा था। और इसको डालने के बाद इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये देखिए दोस्तों, इसमें कैसा कलर आ गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही, यानी कि कड़। और ये हमने डाल दिया दही। और दही को डालने के बाद इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। पनीर के बहुत सारे रेसिपी होते हैं, इनमें से एक है पनीर मसाला। अब पनीर मसाला खाना तो सबको पसंद होता है। ये देखिए, अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक को डालने के बाद इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप रोटी में खाने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम पानी डालें। अगर चावल में खाने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें। अभी हम इसको थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, इसमें कैसे उबाल आ रहा है। अभी हम इसी स्टेज में हमारा फ्राई किया हुआ सारा पनीर को इसमें डाल देंगे। और पनीर को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है,
इसको ऐसे ही खुल्ला में पकाएंगे। मैं इसको रोटी में खाने के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कम पानी डाला हूँ। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर मसाला बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता को इसमें डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमने डाल दिया धनिया का पत्ता। अभी हम इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर मसाला बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। और ये हमारा आ गया प्लेट। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर मसाला कितना डिलीशियस लग रहा है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों आप अगर एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसको बना के खा लेंगे तो सच मानिए आप ढाबा और रेस्टोरेंट में खाना भूल जाएंगे। दोस्तों आज का ये मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।